से भी हमने बात की, लेकिन फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसियां भी मुतहरिक है। और इस हवाले से फौज की जानिब से जनूबी और वस्ती कश्मीर में पहली बड़ी ब्रीफिंग की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस बार जो जदीद आलात का इस्तेमाल, यानी अब तक जो मैन एंड मशीनरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखते थे, वो कैसे फौज के अंदर भी प्रॉपर कॉपरेशन के साथ सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ काम करते हैं, उस ताल्लुक से भी कल फौज की जानिब से जनूबी कश्मीर और दूसरी जानिब सीनियर ऑफिशियल्स नीलगढ़ के अंदर, जहां पर आर्मी के सीनियर कमांडर बालतल बेस कैंप से थोड़ी सी ऊपर, वहां पर भी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। और यात्रा के पहले दिन और दूसरे दिन जो सूरत हाल रही, 24 घंटे मुकम्मल होने के बाद पहली प्रेस ब्रीफिंग हुई। और इस साल पुरतशद्दुद या किसी नाखुशगवार वाकये से पाक यात्रा को यकीनी बनाने की जो कोशिश है, इसमें हिफाजती इंतजामात पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हैं, जो फौज की तरफ से ब्रीफ किया गया। और सुबह सवेरे पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में और फिर गांधरबल में बारी बारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। गुफा के लिए जब यात्री दर्शनों के लिए रवाना हुए थे, तो इस बार कहा गया कि जो फजाई असासे हैं, यानी इंडियन एयरफोर्स का पहले दिन से हम बता रहे हैं कि एक तरफ वो अपनी जगह नजर रखे हुए हैं, लेकिन स्नाइपर्स, इसके अलावा जदीद आलात में जो बॉम्ब स्क्वाड्स जो दस्ते आपको नजर आएंगे, एंटी ड्रोन टीमें इस बार तैनात की गई हैं इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर अमरनाथ यात्रियों की मजबूत सिक्योरिटी ग्रिड के मकसद से। और इस बार कहा गया कि सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सीआईएसएफ, सेंट्रल एजेंसियां, सिक्योरिटी एजेंसियां, तमाम लोग मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तो ऐसे किसी भी वाक्य से निमटने के लिए तैयार हैं जो कोई मुल्क या रियासत मुखालिफ काम हो, यानी दहशतगर्दी का कोई वाक्या पेश ना आए, इसके लिए तो तैयार है ही। लेकिन जो एक बड़ा चैलेंज मौसम का रहता है, कोई नेचुरल क्लेमिटी ना हो, कोई कुदरती हादसा कुदरती तौर पर पेश ना आए, जो पिछले साल जुलाई के महीने में हुआ, एक दर्जन से ज्यादा जान यात्रियों की गई थी, वैसी सिचुएशन ना बने। फौज की तरफ से ब्रीफिंग में चंद बातें कही गई, जल्दी से सुनिएगा। मजबूत जो निगरानी का निजाम है वो इस बार फौज के मुताबिक तैयार है। भाइयों और बहनों, मैं भारतीय सेना की तरफ से आप सबका अमरनाथ जी की यात्रा में स्वागत करता हूं। इस बार अनलाइक अदर टाइम्स यात्रा लंबी ड्यूरेशन के लिए है, 62 डेज। इसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हो रखी हैं। जैसे कि आपको मालूम है, इंडियन आर्मी इज फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो। इट प्रोवाइड्स इनहेरेंट प्रोटेक्शन टू ऑल अदर एलिमेंट्स हु बिल्ड अप ऑन द सिक्योरिटी बेस दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द इंडियन आर्मी। Also this time, there is an unprecedented synergy and integration between various elements of the state, be it Jammu Kashmir Police, BSF, CRPF, ITBP, SSB, or the district administration. A tiered security architecture has been formulated. इसके लिए, जैसे कि पिछली बार आपको मालूम है क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, उसको मध्य रखते हुए हमारे इंजीनियर्स ने इस बार अपने जो एलिमेंट्स हैं, जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, उसको स्टेज फॉरवर्ड कर दिया गया है। आप जो देख रहे हैं चारों तरफ जो पहाड़ियां, इसमें पूरे में मेरे जो सिक्योरिटी एलिमेंट्स हैं वो डिप्लॉय हो रखे हैं। पॉइंट सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम CAPF देती हैं। जो टियर्ड डेप्थ इसको दिया जाता है वो इंडियन आर्मी देती है, हायर रीचेस और मिड रीचेस को ऑक्यूपाई करके। इसके अलावा इन केस ऑफ डिजास्टर सूटेबल रिस्पांस के लिए, ताकि हमें कम से कम नुकसान। ये सीनियर आर्मी कमांडर दोनों इलाकों में, जनूबी और वस्ती कश्मीर में प्रेस ब्रीफिंग में बता रहे थे कि इस बार सिक्योरिटी का निजाम कितना मजबूत है, तालमेल पर फोकस है, आगे बढ़